गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड, और इसका एक टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड या वर्गीकरण सहायता साधन। तो बच्चों, जो वर्गीकरण, जब जीवों को जब पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है, उनको पहचाना जाता है, बहुत फील्ड स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, लेबोरेटरी वर्क करना पड़ता है, उसके बाद जीवों की जब पहचान होती है तो ये प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, इनको पहचान करके इनको वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए और उनकी पहचान करने के लिए कुछ यहाँ पे तरीके हैं जो कि हम पढ़ेंगे और जो कहलाते हैं वर्गीकरण सहायता साधन। तो सबसे पहला इनमें आता है बच्चों हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक प्रकार का कलेक्शन होता है प्लांट्स का, जो कि तरीके से सुखाए गए हों, अच्छे से प्रिजर्व किए गए हों। इन प्लांट्स को किसी एक अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और इन्हें माउंट किया जाता है हर्बेरियम शीट्स पे। कागज़ की बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिन्हें हर्बेरियम शीट्स कहते हैं। इन पे इन प्रिजर्व्ड और ड्राइड प्लांट पार्ट्स को माउंट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हर्बेरियम। और इन प्लांट्स को एक पर्टिकुलर कोई वेरीफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई करना पड़ता है, तो ये इससे बनता है हर्बेरियम। ठीक है बच्चों, अब ये जो हर्बेरियम है, इसका क्या फंक्शन रहता है, क्या पर्पज़ है हर्बेरियम बनाने के? हर्बेरियम का जो मेन फंक्शन पर्पज़ रहता है बच्चों, वो है कि ये एक तरीके से रेफरेंस मटेरियल की तरह कार्य करता है फॉर द मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल रिसर्च। मतलब आगे होने वाली जो वर्गीकरण की रिसर्च है, टैक्सोनॉमिकल जो रिसर्च है, उसमें ये रेफरेंस मटेरियल की तरह हर्बेरियम काम करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में ये प्रदान करते हैं कि हर्बेरियम अगर किसी इलाके का बना है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त वनस्पति का हर्बेरियम अगर तैयार है, तो वहाँ की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में ये प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल प्लांट वेल्थ एक तरीके से दिखलाते हैं ये हर्बेरियम जो होते हैं। ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट इसका कार्य है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बच्चों, वो है वानस्पतिक उद्यान या बोटैनिकल गार्डन। इसके पहले मैं आपको कुछ हर्बेरियम के बारे में बताऊंगी कि इंडियन एज वेल एज फॉरेन हर्बेरिया कुछ फेमस हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पे कुछ लिखे हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया आर सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारे स्टेट उत्तराखंड में है देहरादून, मद्रास हर्बेरियम, हर्बेरियम ऑफ NBRI लखनऊ, रीजनल हर्बेरियम ऑफ शिलोंग, रीजनल हर्बेरियम ऑफ PSI पुणे। ठीक है, और सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ अदर कंट्रीज़ भी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये भी आप इसमें से कुछ एक दो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं वानस्पतिक उद्यान या बोटैनिकल गार्डन्स की ओर। बच्चों दूसरा आता है वानस्पतिक उद्यान या बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन बच्चों एक तरीके का एक जगह होती है जहाँ पे कई सारे लिविंग प्लांट्स का असेंबलेज रहता है, कई सारे लिविंग प्लांट्स को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है रिसर्च पर्पसेस के लिए या प्रिजर्वेशन के लिए भी। ठीक है, तो बोटैनिकल गार्डन में कई सारे प्लांट वराइटीज़, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स को यहाँ पे उगाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स हैं या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, इनको भी यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये वानस्पतिक उद्यान है बोटैनिकल गार्डन, ये भी टैक्सोनॉमिकल रिसर्च में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बोटैनिकल गार्डन जो हैं मैं आपको बताऊँगी, जैसे पहला है आपका रॉयल बोटैनिक गार्डन, क्यू इंग्लैंड में ये है। तो यहाँ जो एरिया कवर ये करता है, 250 एकड़ ऑफ लैंड पे फैला हुआ है ये। ठीक है, और कई सारे प्लांट वैराइटीज़ यहाँ पे उगाई जाती हैं। इंडिया में बच्चों इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है, ये वन ऑफ द फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन है यहाँ का। ठीक है, 1787 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, इसकी इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा की। ठीक है, यहाँ एक ग्रेट बैनियन ट्री है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, फाइकस बेंगालेंसिस ग्रेट बैनियन ट्री, जो कि लगभग 200 साल पुराना है, और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 4 एकड़ के एरिया में ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ NBRI, यहाँ पे भी जो है आपका बोटैनिकल गार्डन है। ठीक है, अब बच्चों ये जो बोटैनिकल गार्डन है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहला तो है मेन कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल
ठीक है। सेकंड फार्मास्यूटिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया बोटैनिकल गार्डन में कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स को उगाया जाता है, तो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इनका है। हॉर्टिकल्चरल फ्रूट फ्लावर फ्रूट्स प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, फ्रूट एंड फ्लावर, तो हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और ये रिकॉर्ड रखते हैं लोकल फ्लोरा का, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कई जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स नॉर्मली नेचर में नहीं पाए जा रहे हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और नेटिव फ्लोरा को ये अपने में संजोए रखते हैं, और स्टडी के लिए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं फ्लोरा पे, उनके लिए एक तरीके से रिसर्च सेंटर का काम ये करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे मैनमेड प्लेसेस हैं जहाँ पे कि एनिमल्स को सारी लिविंग कंडीशंस या उनके नेचुरल हैबिटेट के समान लिविंग कंडीशंस प्रदान की जाती हैं और उनको यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। ये जूलॉजिकल पार्क्स का क्या महत्व है? सबसे पहले तो ये वाइल्ड एनिमल्स को उचित दशाएँ उपलब्ध कराते हैं ताकि वो आराम से वहाँ रह सके, ठीक है। और साइंटिफिक पर्पस भी यहाँ पे सॉल्व किया जाता है, यानी कि जैसे जो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ हैं, जो एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं स्पीशीज़ जातियाँ, उनकी ब्रीडिंग करवा के उनकी जो पॉपुलेशन है उसको भी इंक्रीज़ करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स का महत्व है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कि प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स का कलेक्शन रहता है, ठीक है। और इससे स्टडी के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है। तो कई सारे कॉलेजेस हैं, कई सारे बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स जो रहते हैं वहाँ पे एनिमल और प्लांट्स के प्रिजर्व स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, जो कि एक तरीके से म्यूजियम का कार्य करते हैं, ठीक हो गया। म्यूजियम्स का क्या सिग्निफिकेंस रहता है? सबसे पहले तो लंबे समय तक यहाँ पर ये जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस हैं ये प्रिजर्व रहते हैं। कई सारे फ्लोरा फौना की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि कैसे हैबिटेट से ये प्लांट या एनिमल्स आए हैं, इनकी सॉइल का नेचर कैसा है, ठीक है, फ्लोरा ऑफ दैट एरिया, फौना ऑफ दैट एरिया, तो ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं म्यूज़ियम। आगे अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है बच्चों वो है कुंजी। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड बच्चों जो है वो है कुंजी या कीज, इसको हम कहते हैं। कीज का क्या मतलब होता है? कीज एक स्कीम है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कई सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, अभी मैं आपको आगे वर्गीकरण बताऊंगी तो उसमें आप पढ़ेंगे। कई सारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं, जैसे वंश है, जाति है, कुल है यानी कि जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, है ना। तो हर एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है वो एक कुंजी बनाती है, ठीक है। इस कुंजी के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि काम में आते हैं जीवों की पहचान करने में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। बच्चों देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से फैमिली रननकुलेसी में हेल्प कर रही है प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन दिए हुए हैं। पहला है कार्पल विद वन ओव्यूल फ्रूट एकीन, तो ऐसा अगर कोई प्लांट है ऐसे फ्रूट के साथ में तो उसको नंबर टू को रिफ़र करेंगे। अब उसमें कार्पल में मैनी ओव्यूल्स हैं, फ्रूट फॉलिकल है, तो फिर देन इट विल गो टू फोर, दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो था कार्पल, अगर वन ओव्यूल है कार्पल में और फ्रूट एकीन है तो नंबर टू को रिफ़र करेंगे। या तो इसमें लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड होंगी या फिर इसमें लीव्स अल्टरनेट एंड रेडिकल होंगी। अगर लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड है तो नंबर थ्री, और अगर लीव्स अल्टरनेट एंड रेडियल है तो ये एनीमोन प्लांट होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री पे हमने रिफ़र किया अगर अल्टरनेट एंड रेडिकल है तो। नंबर थ्री में क्या है? पेटल्स एंड फ्लावर्स एब्सेंट एंड लीव्स विदाउट टेंड्रिल, ऐसा अगर है तब ये होगा क्लीमेटिस प्लांट, ठीक है। नंबर टू, अगर ऐसा कैरेक्टर है, पहला हमने क्या कहा था, प्लांट में अगर कार्पल विद वन ओव्यूल है और फ्रूट एकीन है तो नंबर टू को रिफ़र करेंगे, नंबर टू के ये केसेस हो गए, ठीक है। नंबर थ्री में था तो दो केसेस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है अगर नंबर थ्री में पेटल्स इन फ्लावर्स एब्सेंट एंड लीव्स विदाउट टेंड्रिल है तो क्लीमेटिस होगा। अगर नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इक्वल हैं, टर्मिनल लीव फॉर्म्स टेंड्रिल है तो ये नार्वेलिया होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे हम की कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।